ये तो शुक्र है हम पाकिस्तान में रहते हैं और पाकिस्तान में कोई काम वक्त पे होता नहीं, वरना अगर आज ये ट्रेन वक्त पे आ जाती ना तो मेरी ट्रेन मिस हो जाती। अभी हम जा रहे हैं मुल्तान, अब प्लान बन गया था, जाना भी तो था, अकेले नहीं है, हमारे साथ हैं एहसन भाई। एहसन भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? मास्क किधर है आपका? सॉरी यार, तीन साल में मुल्तान पता नहीं कितना बदल चुका होगा, पता नहीं कौन सी नई जगहें देखने को मिलेंगी। हो गया था और भूख लगी हमें काफ़ी ज़्यादा, तो अब हम जा रहे हैं मुल्तान की पहचान घंटा घर, कुछ खाना वगैरह खाएंगे और साथ असल में तो मुल्तान है भाई आम की तलाश में, तो वहाँ देखते हैं, वहाँ कुछ हमें कुछ गाड़ी शाड़ी हमने लगा दी थी और खाने की तलाश हम निकले। मुझे लग रहा था लाहौर में गर्मी है लेकिन मुल्तान का तो शदीद गर्मी है, हब्बस पसीना। अभी हम खाने की तलाश में निकले, यहाँ बड़ा फनकार मौजूद है, यहाँ की बड़ी मशहूर चीज़ें हैं, मुल्तानी मिट्टी है, मुल्तानी आम है और मुल्तान किस वजह से मशहूर है यार? दो तीन चीज़ें तो भूल रहा है, मुल्तान का सोन हलवा, मुल्तान की गर्मी और ये बुजुर्गों के मजार। ये ना समझिएगा दवा खाना से हम दवाई लेने आए हैं, हम गर्मी का शिकार थे, हम शरबत पीने आए हैं। कौन सा शरबत है? पंसार बताया नहीं, क्योंकि कात ही कोई नहीं मेरी। ये कौन सी जगह है सन भाई? यार ये हम लाहौर के इलाके मुल्तान में खड़े हुए हैं, पीछे दिल्ली गेट है जिसपे दिल्ली गेट नहीं लिखा, नहीं लिखा, ये दिल्ली गेट नहीं है, ये दिल्ली गेट नहीं है, उस लॉजिक से नहीं। मौसम की वजह से जाना जाने वाला मुल्तान एक खास ठंडक रखता है, जो रवैयों में झलकती है, जो लहजों से टपकती है। इस खास शहर में आम की तलाश में निकले हम, बहुत सी जगह घूम चुके हैं लेकिन सुना है कि आम यहीं आसपास है, क्योंकि मुझे खुशबू आ रही है। आपको बिल्कुल सही खुशबू आ रही है एहसन भाई। अभी हम फ़िलहाल होटल पहुंच गए, हम एरिना में रुक रहे हैं और देखने में तो मुल्तान भाई बड़ा खूबसूरत लग रहा था, बहुत शदीद थके हुए सारे दिन के। अभी फ़िलहाल अपने कमरों में जाएंगे, सुबह उठ के एक्सप्लोर करेंगे मुल्तान को, DHA मुल्तान को और यहाँ पे जो आम के बागात हैं उनको भी। 117 Finally, we are here. It seems pretty good. Cool, yaar. एक मिनट रुक जा। आज हमारा दूसरा दिन है, एरिना में हमारा स्टे था और कल की निस्बत आज तो जितनी कल गर्मी थी ना उतना ही अच्छा मौसम हुआ, और हमारे दोस्त के मुताबिक कल जो गर्मी थी वो गर्मी नहीं थी, वो उसका कुछ हिस्सा भी नहीं था। अच्छी बात है हमने वो एक्सपीरियंस नहीं की, लेकिन अभी हम जा रहे हैं आम की तलाश में और यहाँ मैंने सुना ऑर्चिड्स भी हैं, तो हम जाके पता करते हैं इनके साइट ऑफिसर के यहाँ पे आम के बागात कहाँ पे हैं। देखेंगे आप भी ऐसे में देखेंगे यार, आम खाने हैं मुझे, आम के लिए आम खाएगा, आम 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 खाएगा। इतनी बारिश में भी हम ढूंढते आम के बागात देखने आए हैं, और आम के बागात के साथ साथ खाली आम के बाग नहीं, यहाँ हमारे पास ये सिट्रस के बागात भी, पौधे भी यहाँ पे मौजूद हैं। और लेकिन मेरे को एक कन्फ्यूजन हो रही है, इसको उर्दू में मीठा कहते हैं या खट्टा कहते हैं? मीठे बड़े अमरूद है। तो फाइनली इतनी ख्वारी करने के बाद हमने सोचा हम डायरेक्ट DHA के ऑफिस आएँ, हम DHA के ऑफिस आ चुके हैं और इन्हीं से पूछते हैं कि यहाँ पर हो क्या रहा है और आम के बागात असल में हैं कहाँ पर। अरे वासिफ भाई,
बस आप जानते हैं? हाँ बिल्कुल, आपको कौन नहीं जानता। बस ये थोड़ी होती है गुड़सीन, अगर आप कोई पहचान ले। अरसलान भैया हमारे साथ और यहाँ पे हमें ये गाइड करेंगे। असल में हम आमों की तलाश में आए हैं। यहाँ पे बड़े ऑर्चर्ड हैं और बड़ा प्रिजर्व करके उनको यहाँ रखा गया है। हमने काफ़ी सारे मैंगो ऑर्चर्ड थे क्योंकि ये साइट ऐसी थी। अबे जल्दी फेंक दो, देख इसे। कच्चा इलाका, कच्ची सड़क थी काफी ज्यादा। कच्चा इलाका, ओए होए होए होए, कच्चा प्यार, कच्चा आम, ओए होए हो। अब हम अंदर जा रहे हैं, यकीन ऐसी स्किन बन हो जाए ना, बता रहे हैं हम तेरे को। सो हेयर वी आर मुल्तान के गोल्फ कोर्स के अंदर, जो कि ऑलरेडी इन प्रोग्रेस है। इसके बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन हमें तो है नहीं, क्योंकि यहाँ मुझे बड़े खूबसूरत आम के बागात नज़र आ रहे हैं, मड हाउसेज नज़र आ रहे हैं। तो इनके इन्फॉर्मेशन लेते हैं हम अरसलान भाई से। जी अरसलान भाई, क्या सीन है भाई? ये पाकिस्तान का पहला चैम्पियनशिप सिग्नेचर गोल्फ कोर्स है जिसे सर निक फेल्डो ने डिज़ाइन किया है, और इसकी एक खासियत ये है कि ये आम के बागों में बना हुआ है और इसके अंदर सिट्रस के बाग भी अवेलेबल हैं, तो ये एक डिफरेंट कम्बिनेशन है। यहाँ पे हर एक दरख्त को टैग करके सिक्योरिटी ने, DHA की सिक्योरिटी ने मार्क किया हुआ है उनकी प्रिजर्वेशन के लिए। तो यहाँ फिर यानी कि जो गोल्फ खेलने आएंगे गोल्फर्स, उनको मैंगो गिफ्ट भी किया करेंगे। सर आपके लिए हर वक्त अवेलेबल है ना गोल्फ। क्या बात है सर, थैंक यू। एक मेरा ही नाम भाई, मेरे छोटे, मेरा ही नाम पाकिस्तान, ये ले भाई सर, थैंक यू। गिफ्ट ही गिफ्ट। ये बिल्कुल मेरे पीछे आप ये डेट ट्रीज देख सकते हैं, बहुत लंबे, लाइक ये मुझे तो लग रहा है कि 100 फुट तक शायद लंबे। इनको सिर्फ इस गोल्फ एरिया के इर्द गिर्द ग्रीनरी के लिए रिस्टोर किया गया, लाइक ये पहले किसी और जगह पे थे और यहाँ पे लाके अब इनको खड़ा किया गया। मेरे पीछे देख सकते हैं जू है, आपको फील नहीं आ रही जू की क्योंकि अंडर कंस्ट्रक्शन है, लेकिन ये भी आमों और खजूरों के दरख्तों के दरमियान जू बनाया जा रहा है और उन दरख्तों को प्रिजर्व करके एक खूबसूरत सा चिड़ियाघर यहाँ पर आबाद होने जा रहा है। ऑल्सो ये एशिया का पहला 360 जूलॉजिकल और बोटेनिकल गार्डन है, जहाँ के आपको हर तरफ जब ये बन जाएगा जानवर नज़र आएंगे। और ये स्पॉट स्पेशली इसलिए सिलेक्ट किया गया था क्योंकि मुल्तान की गर्मी को मद्देनज़र रखते हुए जानवरों का भी तो ख्याल करना है हमने, तो दरख्त के साए उनको गर्मी कम करने में बड़ी शदीद मदद करेंगे। वैसे समय मोस्टली सोसाइटी में देखा गया है कि जब वो अपना नया इनिशिएटिव शुरू करती हैं तो वो घर बनाने के लिए डीफॉरेस्टेशन में काम करती हैं, लाइक जो ऑलरेडी ग्रीनरी होती है उनको वो कट ऑफ करके उनकी जगह घर बनाती है। लेकिन यहाँ पे यार मैं जो मैंने देखा है, DHA ने इसका एक हल दे दिया है, उन्होंने दरख्त उखाड़ने की बजाय उनको बड़ी अच्छी तरह मैनेज किया है। हाँ। और लगा रहे हैं दरख्त को, और उसकी एक मिसाल तुम्हारे सामने ये भी है, नर्सरी। ना सिर्फ वो दरख्तों को प्रिजर्व कर रहे हैं बल्कि वो नए दरख्त उगा रहे हैं ताकि DHA को मजीद हरा भरा किया जा बना हुआ है। ऊपर से ड्रोन शॉट देखेंगे इसका, देखें जरा चेक करें। अरसलान भाई ये बताएं कि बहुत ज़्यादा पौधे हैं यहाँ पे, ठीक है, तो ये क्या DHA बेचता है पौधे यहाँ पे, क्या करता है? नहीं, ये बेसिकली एक तो ऑर्चर्ड्स तो आपने देख ली, हम प्रिजर्व कर रहे हैं, उसके साथ साथ ब्यूटीफाई करने के लिए DHA मुल्तान को इतना बड़ा एरिया है, ये ऑर्नामेंटल प्लांट्स भी हमें चाहिए थे, तो ये उनकी प्रोपिगेशन फैसिलिटी है जहाँ पे ये 50 acres का हमने एरिया सिर्फ डेडिकेट, हाँ बहुत बड़ा एरिया है, इसको हमने सिर्फ डेडिकेट करके रखा हुआ है इसी चीज़ के लिए, ताकि ये DHA मुल्तान की फर्दर ग्रीन नीड्स जो है उनको फैसिलिटेट कर देंगे। 3-4 lakh तो होंगे पौधे, लाखों में है। अच्छा, हाँ लाखों में। छुई मुई है? बिल्कुल है।
हेलो गाइस, वी आर मैंगोज। आई मीन हम आम लोग आमों के दरमियान है। भाई ये कविताएं इस तरह की ऐसा भी अच्छी बोलते हैं, क्या बोलेंगे इनको? हम आम लोग एक खास शहर में आमों के दरमियान में। ये चल कितने पैसे? अच्छा, ये वो मेन स्पॉट है डीएचए मुल्तान का, जहाँ पे आमों के ऑर्चर्ड्स हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज चल रही हैं, स्टॉल भी लगे हुए हैं, आम आप खरीद भी सकते हैं, यहाँ बैठे खा भी सकते हैं, फैमिलीज भी हैं यहाँ पे, और साथ यहाँ पे आम पीछे तोड़ के पेटियों में पैक करके रवाना भी किए जा रहे हैं। और यही वो चीज़ है मुल्तान की जो उसको बाकी शहरों से अलग करती है। आम की बड़ी सहूलत है, सब कुछ डीएचए बनने रोड बन गया, नहीं था रोड दे वजह करके लोग थांदे सारे को अंब गिन पैदे तो मंडिये बिजे से उतना सारे को आड़ती पैसे खा पैदे कमीशन खाते हैं, पैसे सही ना मिलते हैं। ये डीएचए दवावन नाल सब कुछ बड़ा फायदा थी। बागों से भरे मुल्तान का ये रूप देखकर आज मन मुस्कुराया। कितना अच्छा हो कि सोसाइटीज़ में दरख्त न लगे बल्कि दरख्तों में सोसाइटीज़ बने, क्योंकि हर शहर हर कम्युनिटी ग्रीनरी डिज़र्व करती है। और मुल्तान खुशकिस्मत है कि इस बात का आगाज़ यहाँ से हुआ। खुदा हाफिज़ मुल्तान, इन दो खूबसूरत दिनों और आमों का शुक्रिया। तमाम वीडियोस बच्चों के पहुंच से दूर रखें। वीडियो ज्यादा देखने तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, नोटिफिकेशन के बेल बटन का इस्तेमाल करें। बजाते सेहत हुकूमत हार्ड बाय वासिफ़।